कि हमने जोया को कैसे बाजियाब खोया। शुक्र है कि मेरी बच्ची को किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोई गिरफ्तारी अमल में आई? जी हाँ, मौके पर जो पुलिस मुकाबले में तीन बदमाश मारे गए, उनसे जो असला और फोन बरामद हुए, उससे हमें मालूम हुआ कि उनका तल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो अगवा ब्राय तावान जैसी कानूनी वारदातों में मुलव्वस थे। इसका मतलब है ये अगवा ब्राय तावान का केस था? जी हाँ, इसमें जाती दुश्मनी का अंसर भी शामिल है। एक बदमाश ने मरते हुए बताया था कि इसमें एक औरत भी मुलव्वस है। औरत? आपका कहने का मतलब है कि जोया को किसी औरत ने अगवा किया? अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है। अगर वो जिंदा रहता तो बयान मुकम्मल हो सकता था। जो मोबाइल उनके पास से बरामद हुए हैं, क्या उनसे कोई हेल्प मिल सकती है? उन दोनों के इस्तेमाल में एक ही फोन था। जब हमने उस फोन का डाटा हासिल किया तो आखिरी कॉल एक खातून के नाम की थी, जिसकी शनाख्त साहरा के नाम से मालूम हुई। साहरा? अम्मी? जी, मेरा नाम साहरा है। ये लोग मुझे काफी दिनों से कॉल कर रहे थे और 5 करोड़ का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस को या किसी और को इत्तला देने की सूरत में सोया को जान से मार देने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मैंने किसी को भी इन्फॉर्म करना मुनासिब नहीं समझा। अब तो मेरे बेटे को छोड़ देंगे ना? जनाब, ये दानियाल और सलीम का जमानत नाम है। ये लोग बेगुनाह हैं, इन्हें जाने दी। चूंकि FIR आपकी मदईयत में दर्ज हुई है, अब जोया बाजियाब हो चुकी है, आप उसको लेके जा सकते हैं। आप आए और दस्तखत कर दीजिए। जी। ठीक है, आप जोया को लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो बेटा।